Hey family, welcome back to my YouTube channel. This is Marshika and guys, I hope आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे. जो भी आप फील्ड ज्वाइन आपने की हुई है उसमें अपना बेस्ट दे रहे होंगे. एंड ऑब्वियसली लाइफ इज अ बैटल, उसके अंदर तो जो लड़ाई लड़नी है वो हम सब रोज ही अपनी फुल ताकत के साथ, फुल एनर्जी के साथ लड़ते हैं. एक्चुअली आज कुछ भी ऐसा प्रिस्क्राइब्ड या कुछ भी ऐसा प्री प्रिपेयर्ड टॉपिक लेके नहीं आई हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट सम रैंडम स्टफ, कुछ इस तरीके की फीलिंग्स जो हम सभी बीइंग अ ह्यूमन अपने अंदर फील कर पाते हैं टाइम एंड अगेन. किसी को कभी ज्यादा होती है, किसी को कम होती है. इट्स ऑल अबाउट फीलिंग सफोकेटेड, राइट. एक्चुअली द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज वेरी क्लियर. फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज आई एम फीलिंग रियली सफोकेटेड, इमोशनली ड्रेन्ड, बिकॉज बहुत टाइम हो गया घर पे रहते रहते एंड बाहर नहीं जा पा रही हूँ. मन करता है निकलने का, घूमने का, वापस से वही पुरानी दुनिया एक्सप्लोर करने का, लेकिन कुछ सर्टेन इश्यूज हैं जिनकी वजह से अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. एक तो मेरे एग्जामिनेशंस भी आ रहे हैं तो उसके लिए प्रिपेयर करने में टाइम निकल जाता है. लेकिन स्टिल एक होता है ना कि नेचर के साथ कनेक्ट करके आपको एक सुकून मिलता है. हर इंसान का सुकून पाने का तरीका अलग होता है. मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है आर्ट्स फैकल्टी जाने की, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं. आई थिंक आप सबके पास भी अपना अपना एक या तो कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस होगा जो आपको पीस प्रोवाइड करता होगा, या कोई ऐसा पर्सन होगा जिससे बात करके आपको पीसफुल फील होता होगा. हर किसी का अपना अलग अलग तरीका होता है सफोकेशन को दूर करने का, वापस से एनर्जी को रीगेन करने का. तो मुझे आर्ट्स फैकल्टी बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है इस चीज़ में. बहुत अच्छा लगता है मुझे वहाँ जाकर, वहाँ का एटमोसफियर मुझे बहुत पीसफुल लगता है. तो आई एम मिसिंग दोज डेज जब बहुत फ्रीली और बहुत आराम से वहाँ पर जाकर हम घूम सकते थे, बैठ सकते थे, उस नेचर को एंजॉय कर सकते थे. आसपास के यूथ को देखकर बहुत खुशी मिलती थी. तो ठीक है, कोई बात नहीं. तो काफ़ी टाइम से सफोकेटेड फील कर रही थी, तो ढूंढ रही थी रास्ते कि क्या किया जाए ऐसा जिससे वापस से वो एनर्जी, वो पॉजिटिव वाइब्स वापस फील हो सकें. फैमिली के अंदर वही है कि आपस में बात हो जाती है, थोड़ा बहुत सबके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है. लेकिन एक होता है ना कि बाहर निकलते हो आप, तो बाहर जाकर जब आपको चीज़ें, आप न्यू चीज़ों के साथ वापस से इंटरैक्ट करते हो, नए नए लोगों से इंटरैक्ट करते हो, तो अच्छा फील होता है. तो वही सारा पोर्शन आई एम मिसिंग. तो अभी बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में कि जब सफोकेशन फील होती है, इमोशनल सफोकेशन फील होती है, तो क्या किया जाए. देखिए, कुछ चीज़ें मैंने, कुछ पॉइंटर्स अपने लिए ढूंढे थे, वही मैं आज शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ. कि अगर आप भी सफोकेटेड फील करते हैं, आपको भी ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन योर लाइफ और उन पॉजिटिव वाइब्स को वापस से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो देखिए बहुत ज़रूरी है अपने इनर सोल को हील करना. पीस बाहर ढूंढेंगे तो वो मोमेंट्री होगा कभी. बहुत अच्छी बात है कि बाहर की चीज़ें भी हमें पीस प्रोवाइड करती हैं. ये नेचुरल है कि हाँ, होता है कि हम बाहर नए लोगों से मिलते हैं, अपनी फेवरेट प्लेसेस पे जाते हैं, अपना फेवरेट फूड जब खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें खुशी देती हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि इंटरनल हीलिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है और क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल वे हम निकाल लेंगे. क्योंकि उसमें क्या होगा, जब हम खुद को इंटरनली हील करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो जो सफोकेशन है वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए कंट्रोलेबल हो जाएगी. हम उस सफोकेशन से कंट्रोल नहीं होंगे, हम उस सफोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनल हीलिंग के थ्रू. तो देखिए, जो एक्सटर्नल हीलिंग है वो तो हमें एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से प्रोवाइड हो ही जाती है, लेकिन वो उसकी लिमिटेशंस है. जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपको बताया कि अभी मैं अपने उन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, उन एक्सटर्नल प्लेसेस से रिकनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, ड्यू टू सर्टेन रीजंस नहीं कर पा रही हूँ. तो वो एक लिमिटेड क्राइटेरिया मेरे लिए बन गया कि नहीं जा पा रही, तो अंदर वो सफोकेशन फील होती रहेगी जब तक मैं वापस से उस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं चली जाती, वापस से कुछ उन लोगों से नहीं मिल लेती फिजिकली जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ, या जो लोग मुझे पॉजिटिव वाइब्स प्रोवाइड करते हैं, या अच्छा लगता है जिनसे बातें शेयर करना. तो अब क्या है, अब मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन यही है कि मैं अपने आप को इंटरनली हील करना स्टार्ट करूं. तो हीलिंग क्या है गाइज, अपने उन वूंड्स को पहले पहचानना बहुत ज़रूरी है कि वो
अंदरूनी चोटें आपको किस तरीके से लग गई हैं। कई बार होता है कि हम किसी कभी कभी बिना किसी रीजन के ही बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में चीज क्या होती है, वो बिना किसी रीजन के कभी कोई चीज नहीं होती। हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे प्रोसेस चल रहे होते हैं, इमोशनल प्रोसेस चल रहे होते हैं, वो एनर्जी डाउन जा रही होती है, लेकिन क्योंकि हम अपने खुद के साथ कनेक्ट नहीं करते, खुद के साथ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, टाइम नहीं देते उस चीज को समझने के लिए, या फिर कहूं कि इग्नोर कर देते हैं यही सोच के कि नेचुरल है, होता है सबके साथ, मूड स्विंग है। तो क्या होता है कि जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से वो चीजें हील होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जरूरी है मी टाइम स्पेंड करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, 5 to 10 मिनट्स ही सही अपने आप को दें। और मैंने ये चीज खुद के साथ करके देखी तो मुझे काफी बेटर फील हो रहा है इस चीज से, क्योंकि अपनी वूंड्स को पहचानना बहुत जरूरी है कि कहाँ कहाँ पर आपको चोट लगी है, किस तरीके की फीलिंग्स आपकी हर्ट हो गई हैं, जिसको आपको इंटरनल हीलिंग के प्रोसेस से सॉल्व करना है। अब हीलिंग वही है कि उन चीजों को यूज करना स्टार्ट करें हम, उन अपने अंदर की उन स्ट्रेंथ्स को, उन कैपेबिलिटीज को, उन सारी पॉजिटिव वाइब्स को खुद से वापस से रिक्रिएट करना स्टार्ट करें विदाउट हेल्प ऑफ एनीवन। खुद हमारे अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स जो कहीं पर जाकर छुप गई हैं या कहीं पे दब गई हैं इन सब वूंड्स की वजह से, इन सब हर्ट जो भी हम हुए हैं उसकी वजह से, तो उसको वापस से हमें लेकर आना है वापस से, और ये हम खुद ही कर सकते हैं अपने लिए। तो ये इंटरनल पीस का एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको अपने अंदर पीस क्रिएट करना है या अपना पीस वापस से रीगेन करना है, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप खुद से बात करें, खुद को समझें, खुद को टाइम दें, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी गाइस हमें पार प्रोवाइड करती है कि जब हम हार जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, थक जाते हैं, नहीं समझ आ रहा होता कि हमने तो सारी कोशिश कर ली जितनी हम बीइंग अ ह्यूमन कर सकते थे, सारी कोशिश कर ली, लेकिन नाउ वी नीड सम सुप्रीम काइंड ऑफ गाइडेंस, तो वो हमें स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। कोई एक अच्छा स्पिरिचुअल गुरु अपने लिए रखना बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी साधु और संत को आप रेकलेसली फॉलो करते चल जा रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है स्पिरिचुअल गुरु की, कि कोई भी एक ऐसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जो आपका मेंटोर, जो आपका मीडियम बन सकता है गॉड के साथ कनेक्ट करने का। अब गॉड के साथ कनेक्ट करने का मीडियम ये नहीं है कि आपको मंत्रास जपने हैं या ये, हाँ आप मंत्रास को भी यूज कर सकते हो, जैसे हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र है, अगर आप इसे करेंगे तो बहुत पीसफुल वाइब्स आपको फील होती हैं, मृदंग बजती है इसमें, तो वो भी ऑटोमेटिकली वो जो म्यूजिक है वो आपको बहुत पीस प्रोवाइड करता है, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि स्पिरिचुअल गुरु की इंपॉर्टेंस ये है कि उन चीजों को, जो चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं लेकिन हम अभी तक उनसे इंटरकनेक्ट नहीं कर पाए हैं, वो चीजें हमें स्पिरिचुअल गुरुज कनेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स इतने सूदिंग होते हैं, वो जिस तरीके की बातें हमें बताते हैं, भगवान या यूनिवर्स के जो भी सुप्रीम प्रोसेसेस हैं उनको वापस से जब वो अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से भगवान की लीलाओं के साथ कनेक्ट करके हमें बताते हैं, या फिर हमें ऐसा फील करा देते हैं अपने वर्ड्स या अपने वर्क्स के थ्रू, वर्क्स भी कहूँगी, बुक्स भी लिखते हैं ऐसे गुरु, जैसे माई फेवरेट इज गौर गोपाल दास, बहुत अच्छा लगता है मुझे, उनके सेशन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, उनकी बुक्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप भी फाइंड कर सकते हैं कि आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उस तरीके से आप अपने इंटरनल हीलिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ, आपके लिए भी डेफिनेटली होगा। तो अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से खुद को कनेक्ट करके रखिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है कि जब हम हर तरफ से हार जाते हैं, हर तरफ से गिव अप कर देते हैं, या हम अपनी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के भी कोई फ्रूट नहीं निकाल पाते, तो उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि स्पिरिचुअलिटी हमें वो पार देती है, वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं हम इंटरनली, हमें ऐसा फील होने लगता है कि हाँ ठीक है, देयर इज सम गाइडेंस, कोई और है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, एंड ही विल डू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मतलब मेरी खुद की डू टेक केयर ऑफ माइंड, ठीक है, तो अब मेरा ध्यान रखेंगे, भगवान है कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो वो वाली चीज आप स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर कनेक्ट होके रहेंगे तभी आप फील कर सकते हैं।
फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हीलिंग प्रोसेस में, लेकिन जब इंटरनल हीलिंग की बात आती है ना, तो कोई भी रिश्ता सिर्फ आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है. आप जो भी प्रोसेस खुद के लिए कर रहे हैं उसमें एक किक पिक दे सकता है कि हाँ ठीक है, आपके पास सपोर्ट है, यू कैन रिलाई ऑन पीपल. बट हमेशा याद रखिएगा कि जो हीलिंग है या जो एक्चुअल में आप खुद को ठीक कर सकते हो, वो जो इंटरनल पीस फाइंड करने का प्रोसेस है, ये लड़ाई आपकी अकेले की है. क्योंकि जिस दिन आप इस चीज़ के ऊपर जीत पालेंगे ना, कि आप इस प्रोसेस को समझ जाएंगे कि इंटरनली पीस कैसे क्रिएट किया जाता है और सबसे बड़ी बात उसको सस्टेन कैसे किया जाता है. उसको क्रिएट करना आसान है, लेकिन उसके बाद बार बार अपने आप को रिमाइंड कराना, बार बार अपने आप को उसी सेम पेडेस्टल पे रखना, चीजों में ग्रो करना सीखना, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उतनी ही डिफिकल्ट होती हैं. तो बहुत जरूरी है ये सब चीजें करना, तभी आप इस सफोकेशन वाले प्रोसेस से बाहर तो कभी नहीं निकल सकते, लेकिन ये है कि कंट्रोल पा लेंगे. आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल आ जाएगा अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने का. सो गाइज, ये कुछ तरीके थे जो मैंने अपने लिए यूज़ किए थे, आप लोगों के साथ शेयर किए. पॉजिटिव थॉट्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं. पॉजिटिव चीज़ें पढ़िए और ऐसी चीज़ें पढ़िए, लोगों की ऐसी बायोग्राफीज पढ़िए जिसके अंदर आपको मोटिवेशन फील हो, आप देख सको कि फेलियर हर किसी की लाइफ में आया है. जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो बिना फेलियर के सक्सेसफुल नहीं हुए, जो एक्चुअली में ग्राउंड जीरो से शुरू करते हैं उनकी बात कर रही हूं मैं यहां पर. गॉडफादर्स और इन सब चीजों की बात यहां नहीं हो रही है. जो लोग खुद से जीरो से स्टार्ट करके आगे बढ़े हैं उनकी बात कर रही हूं मैं यहां पर, कि उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में पहले फेलियर को फेस किया है, उससे कुछ ना कुछ सीखा है, अपने आप को हील किया है और तभी वो दूसरों को इंस्पायर कर पाए हैं. कोई भी पर्सन किसी दूसरे को इंस्पायर कब कर पाता है, जब खुद से उसने उन सारी चीज़ों को, उन ऑब्स्टेकल्स को फेस किया हो, एक वे फाइंड आउट कर लिया हो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का एक पॉजिटिव सेंस में, और अपने फियर्स के ऊपर जीत हासिल कर ली हो, तभी तो आप इंस्पायर कर पाओगे ना. ऐसे तो है नहीं कि आपकी खुद की कोई स्ट्रगल वाली स्टोरी नहीं है, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है और आप ऐसे ही आ गए कि हाँ जी इंस्पायर करना है, ऐसा नहीं होता है. पहले खुद से उस दलदल में कह लो या उस आग के दरिया में कह लो, कुछ भी कह सकते हो, पहले उससे गुजरना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर वो सूरज जैसी चमक और वो एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट हो या ड्रीम्स हो जिन्हें आप जीना चाहते हो. तो ठीक है, सपने सारे भी पूरे नहीं होते, सपने देखना अच्छी बात है, उनको पूरा होने की शर्त, सारे सपनों को पूरा करने की शर्त रखना गलत है. कोशिश करना बहुत अच्छा है, कोशिश करो, आगे बढ़ो, लेकिन ये है कि ये सोच लेना कि अगर ये चीज नहीं हुई तो कुछ नहीं हो सकता, वो गलत है. तो उस सफोकेशन के ऊपर अच्छे से हमें आगे बढ़ना है, लड़ना है उस सफोकेशन से, क्योंकि सफोकेशन से लड़ेंगे तभी सक्सेस मिलेगी, तभी आगे पहुंच पाएंगे वहां पर जहां जाना चाहते हैं. बाकी मेरा तो जिंदगी को जीने का एक बहुत सिंपल सा फंडा है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा शान और शौकत वाली जिंदगी नहीं जीनी है. आई वॉन्ट टू लिव अ पर्पजफुल लाइफ जिसमें मैं अपने लिए भी कुछ कर सकूं और मेरे से जुड़े हुए लोगों के लिए भी कुछ कर सकूं, और यहाँ पे सोसाइटी में रहते हैं तो ऑब्वियसली सोसाइटी में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूं. तो मेरी जिंदगी का तो छोटा सा फंडा है कि मुझे पर्पजफुल लाइफ चाहिए, और वो पर्पज बहुत ही सोबर होना चाहिए, तो मैं उसी पे वर्क करती हूँ. बाकी ठीक है गाइस, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे गाइस. तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के लिए गुड बाय गाइस. अच्छे से अपना जाइए, सोइए, जो काम कर रहे थे वो काम करिए. विल मीट सून. ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.